बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए एस्पायरेंट्स के लिए सबसे पहले ये सवाल होता है कि वाई CSS एग्ज़ाम, CSS की जर्नी में क्यों जाना है। तो इसका जवाब है कि ये एक पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मुकाबले का इम्तिहान होता है और इसके अंदर आपके लिए ग्रोथ के और आपके लिए अपनी पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहले तो इसमें प्रेस्टिजियस कैरियर इन सिविल सर्विस होता है, हाई स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर सिक्योर हाई रैंकिंग गवर्नमेंट पोजीशंस विद अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। माशरे के अंदर आपके पास एक ताकत होती है और एक आपको मकाम मिलता है। देन पब्लिक सर्विस एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन, आप कौमी खिदमत कर सकते हैं, आप ऐसी पॉलिसीज़ और फैसला साजी में अपना मुसबत असरार डाल के माशरे के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। फिर आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है और आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे स्टेबल जॉब होती है, स्ट्रक्चर्ड कैरियर पाथ विद कंसिस्टेंट प्रमोशंस एंड बेनिफिट्स। आप जैसे ही एलोकेशन आपकी होती है तो आप 17वें में जाते हैं, फिर आप 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वें तक जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास पावर होती है, आप चेंज कर ला सकते हैं माशरे के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहुत सारी चीज़ों में आप फैसला साजी करते हैं, आप पॉलिसी और सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, सिग्निफिकेंट पावर टू ब्रिंग अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल रिफॉर्म्स, ये आपको मौका मिलता है इस जॉब में रहते हुए। डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास डाइवर्स बहुत सारे मल्टीपल कैरियर पास होते हैं। आप फॉरन सर्विसेज पाकिस्तान में जा सकते हैं, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम्स, FBI वगैरह। फिर आपके पास डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने का एज ए डिप्लोमेट आपके पास एक ऑप्शन होता है फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंडर। देन चैलेंज एंड पर्सनल ग्रोथ, यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल चैलेंज का सामना होता है इस जर्नी के अंदर, और इसकी एलोकेशन के बाद आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी स्किल्स बढ़ती हैं। इसमें मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी होती है, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी, चाहे वो किसी इलाके, रंग, नस्ल, मज़हब से है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें रोल मॉडल एंड इंस्पायरेशन, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल ऑफिसर से, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, उनसे इंस्पायरेशन लेते हैं, उनके फुटस्टेप पे चलते हुए आप इम्पैक्टफुल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। सो इसलिए CSS ज़रूरी है आपको अपनी ज़िंदगी में। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एक बार ज़रूर इसके अंदर जाएं, आप 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं 30 ईयर्स तक, 21 से 30 ईयर्स तक। इसमें आपके पास कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं 600 के, और बाकी सब्जेक्ट 600 के आपने ऑप्ट करने होते हैं खुद। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, हमें फीडबैक देते रहिए, अपने कमेंट्स से आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं किस तरह के आपकी क्वेरीज हैं CSS PMS से रेलिवेंट, कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स के रेलिवेंट। थैंक यू सो मच।